अच्छा महाराज, उस स्थान का नाम नैमिषारण्य क्यों हो गया? तो मैं आपको बताऊं, एक बार समस्त देवता लोग भगवान नारायण के पास गए, ऋषि लोग नारायण के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया, हे नारायण, हम सब देवताओं को, हम सब ऋषियों को भजन करने का, सत्संग करने का स्थान बता दो। भगवान ने कहा, देवताओं तुम्हें स्थान चाहिए? ऋषियों ने कहा, हाँ महाराज हमको स्थान चाहिए। भगवान नारायण ने क्या कहा? अपना चाकू छोड़ दिया। थोड़ा कथा की ओर ध्यान दीजिए, आज की कथा जो सुन पाएगा वो 7 दिन भगवान का कृपा पात्र हो जाएगा। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, सुनो चाहे मत सुनो, आपका फायदा नुकसान है, मेरा कुछ नहीं। हमको तो ओंकार सिंह को सुनाना है। ओंकार सिंह बैठे हुए हैं, उनके पुत्र संजय सिंह बैठे हुए हैं, परंतु उनके माध्यम से अगर ये गांव भी सुन लेता है तो गांव भी धन्य हो जाएगा, गांव भी धन्य हो जाएगा। क्यों? वृक्ष एक लोग लगाता है, बगीचा एक लोग लगाता है और आम पूरा गांव खाता है। भागवत रूपी वृक्ष बाबू संजय सिंह के घर पे लग गया है। अब भैया, इस रस को जिसको जिसको पीना है कोई मनाही नहीं है, जो आएगा वो भागवत रस जरूर पाएगा, परंतु भागवत की कथा में आना पड़ेगा। आए हो तो भैया व्यर्थ में समय मत देना, आए तो हो घर से चल के भागवत सुनने, और यहाँ बैठे हो तो बाजरा फुसुर फुसुर उनसे बातें कर रहे हो, उनसे बातें कर रहे हो, इधर देख रहे हो उधर देख रहे हो, फिर आए तो कहाँ देखोगे? कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, कहाँ देखोगे? जहाँ तुम छुपे हो, जहाँ तुम छुपे हो वहीं देखना है। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, कन्हैया तुम्हें I just need to